आज जो अनशन का क्रम यहाँ लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय चौक में लिया गया है, उसका आज सातवां दिन है और आज का विषय हम लोगों ने चुना है विदेश नीति। भारत इस समय चीन की सीमा पे भारत के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा है, सब लोग जानते हैं। चीन हमारे देश में अंदर घुस आया है, उसने एक इलाके पे कब्जा कर लिया है और भारत सरकार उसका उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जो जब इसके बारे में बोलते हैं तो चीन का नाम तक नहीं लेते और तमाम वार्ताएं चल रही हैं। कभी सेना के अधिकारी वार्ता करते हैं, कभी विदेश मंत्री वार्ता करते हैं, कभी रक्षा मंत्री वार्ता करते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब जो जिनकी शी जिनपिंग के साथ बहुत दोस्ती है, उनको वो अहमदाबाद में बुला चुके हैं, तमिलनाडु में बुला चुके हैं, खुद वहां जा चुके हैं वुहान में, तो जब शीर्ष स्तर की बैठकें वो उनके साथ कर चुके हैं, उनका दावा है कि उनका उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है, तो अभी तक नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इस समस्या के हल के लिए इसको अपने निचले स्तर के लोगों पे उन्होंने क्यों छोड़ रखा है, और संकट लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध इतने खराब हो गए हैं कि आए दिन वहां सैनिकों की जान जाती है, तो ये किसी जिम्मेदार सरकार की पहचान नहीं है। आपने अपने एक छोटे से पड़ोसी नेपाल के साथ भी संबंध खराब कर लिए हैं, क्योंकि नेपाल जिसको अपना क्षेत्र मानता है, उस रास्ते से उस जगह से आप अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री ने किया, उसके बाद चीन ने अपना एक नक्शा जारी किया उस इलाके को अपना हिस्सा बताते हुए। तो चीन नेपाल की सीमा में भी पहली बार गोली चल गई, एक भारतीय नागरिक मारा गया और नेपाल अब बात कर रहा है कि वो अपनी सीमा पे भी सेना लगाएगा। तो ये भारतीय विदेश नीति की पूरी तरह से असफलता है कि जो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूमे और ऐसा बताया उनके समर्थकों ने कि भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ गया है, आज के समय में अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ उनके संबंध खराब हो गए। बांग्लादेश के साथ उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम में जब ये कहा गया कि घुसपैठियों को बाहर भेजा जाएगा, तो बांग्लादेश इस बात से परेशान हुआ, क्योंकि घुसपैठिए मतलब आसाम में जो थे वो सब बांग्लादेशी ही थे, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो अगर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं है, यानी वो यहाँ की नागरिकता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास बांग्लादेश के भी कोई कागज नहीं है और वो कैसे बांग्लादेश वापस जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो बांग्लादेश को भी परेशान कर रहा था। और इसलिए वहाँ पे भी इस ये जो सरकार ने कानून बनाया है उसका विरोध हुआ। श्रीलंका भी चीन के ज़्यादा नज़दीक चला गया है, तो कुल मिला के हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध या तो तनावपूर्ण है या वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो चीन के नज़दीक जा रहे हैं, और ये भारतीय विदेश नीति की पूरी तरह से असफलता है कि हमारे प्रधानमंत्री खास करके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बना के रख पाने में असफल हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपको इन देशों से वार्ता करनी चाहिए थी, भाई पाकिस्तान ने उसके प्रधानमंत्री ने अपनी पहल पे सिख धर्मावलंबियों के लिए करतारपुर का गलियारा खोला, बिना पासपोर्ट वीजा के लोगों को जाने की छूट दी, आप चाहते तो पाकिस्तान के नागरिकों को अजमेर शरीफ दरगाह में आने की छूट दे सकते थे, एक गलियारा वहां बना सकते थे, तो उससे दोनों देशों के बीच में सौहार्द कायम होता और बातचीत होती तो समस्या का हल भी निकल सकता था। लेकिन बातचीत पूरी तरह से बंद है पाकिस्तान के साथ। जो सार्क की मीटिंगें होती थी जिसमें भारत पाकिस्तान के नेता मिल लिया करते थे अन्य दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं के साथ, वो मीटिंग बंद है और समस्या का हल नहीं निकल रहा। हमारे सैनिक
सीमा पे रोज उनके मरने की खबरें आती हैं। तो ये जो राजनीति है, जो राष्ट्रवाद के नाम पे है और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे है, जिसमें आप दुश्मन को हमेशा सबक सिखाने की बात करते हैं और आप सैन्य रूप से अपने आप को ताकतवर बना के, वो भी फ्रांस से जहाज खरीद के, हम ऐसा हम देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे ना तो हमारी देश की सुरक्षा हो सकती है और न ही हमारे जो संबंध हैं वो ठीक हो सकते हैं। संबंध ठीक करने के लिए वार्ता करनी होगी और इन समस्याओं को सुलझाना होगा। अगर चीन के साथ, नेपाल के साथ कोई सीमा का विवाद है तो उसको आप सुलझाइए। अगर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विवादित हैं, जिन पे दोनों देश अपना कब्जा मानते हैं, तो इन ऐसे क्षेत्रों के लिए कुछ संयुक्त प्रबंधन की नीति अपनानी पड़ेगी। एक राज्य है देश के अंदर, नागालैंड, जहाँ एक संगठन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिम, NSCNIM, जो पहले भारत सरकार के साथ विदेश की भूमि पे ही वार्ता करता था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो भारत आए, उनके बड़े नेता आइजेक और मुइवा, आइजेक साहब तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन मुइवा के साथ वार्ता, जब नरेंद्र मोदी सरकार की हुई, एक समझौता हुआ 2015 में, और उसमें ये तय हुआ कि दोनों इकाइयों, यानी कि भारत सरकार और नागालैंड के बीच में एक साझा संप्रभुता होगी, दोनों का सह अस्तित्व होगा शांतिपूर्ण। लेकिन अब भारत सरकार उससे मुकर रही है और नागालैंड के लोग जो अपना एक अलग झंडा, अलग संविधान चाहते हैं, वो उनको नहीं देना चाहती है। तो ये संगठन भी नाराज हो गया है और अब ये कह रहा है कि अब ये भारत सरकार से प्रधानमंत्री स्तर पे सिर्फ विदेश में ही बात करेगा। तो नागालैंड में भी हम कोई समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं और उस संगठन के साथ भी भारत सरकार के संबंध खराब हो गए। और अब हो सकता है कि जो एक सफलता हासिल की थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, उन नेताओं को भारत बुला के और उनसे यहाँ वार्ता की शुरुआत की थी, वो नेता अब शायद वापस विदेश चले जाएंगे और भारत को उनके साथ विदेश में वार्ता करनी पड़ेगी। तो हर तरफ, देश के अंदर, देश के बाहर, सरकार नाकाम है, अब खास करके अपनी विदेश नीति को लेके। और ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इससे हमारा पड़ोसी देशों के साथ माहौल खराब होता है और दूसरा देश की सुरक्षा के लिए आपको वो बहुमूल्य संसाधन, जो देश की जनता के विकास, यहाँ की गरीबी उन्मूलन के लिए लगने चाहिए, वो संसाधन हम हथियारों पे लगाते हैं, सेना पे लगाते हैं। तो ये देश की विफलता है एक तरीके से, और हम मांग करते हैं कि सरकार अपना तरीका बदले, अपनी सोच बदले, और बजाय दुश्मन को जवाब देने की नीति अपनाने के, वो अपनी समस्याओं को सुलझाए पड़ोसी देशों के साथ और शांति शांति और सौहार्द और दोस्ती को कायम करें। धन्यवाद।